दोस्तों, विराट कोहली से टेस्ट की कप्तानी छोड़े जाने के बाद इस समय अभी बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल गई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर उठाया बड़ा कदम। विस्तार से जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले विराट कोहली की शानदार कप्तानी करियर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार के बाद विराट कोहली ने अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, जिसे सुनकर सब कोई हैरान रह गए। आपको बता दें कि T20 और ODI की कप्तानी से विराट कोहली पहले ही हट चुके थे और अब उन्होंने अपनी टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है। और इसके बाद दोस्तों काफी बड़ी बड़ी खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं, जहां पर दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि BCCI ने विराट कोहली पर दबाव डालकर ये कप्तानी छुड़वाई है। और यहां पर केंद्र सरकार से भी काफी लोगों ने अपील की थी कि इसके ऊपर केंद्र सरकार कोई डिसीजन ले। और इस समय जो बड़ी खबर है वो ये है कि BCCI ने विराट कोहली से अपील की है कि विराट कोहली अपने अगले मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आए। यानी कि दोस्तों, जो अगला मुकाबला विराट कोहली अपनी टेस्ट का खेलने वाले हैं वो उनका 101वां मुकाबला होने वाला है और BCCI चाहती है कि इस मुकाबले में वो अपनी आखिरी कप्तानी करें, जिससे BCCI और पूरी इंडिया उनको फेयरवेल दे सके। और दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के कहने पर BCCI ने विराट कोहली से ये रिक्वेस्ट की है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि विराट कोहली ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना 101वां मैच भी एक आम खिलाड़ी की तरह ही खेलना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी रिक्वेस्ट BCCI ने जरूर की है विराट कोहली से, और इसके पीछे दोस्तों फैंस ऐसा कह रहे हैं कि सरकार का हाथ है। वैसे दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके हिसाब से विराट कोहली ने BCCI का ये ऑफर ठुकराकर सही किया या फिर गलत। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।